57 साल पहला अज ही दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के बंबार्टमेंट मौके अमृतसर के छेहरटा विखे शहीद हुए 57 शहीदों की याद नूं समर्पित 57 साल मौके 57 दीवे जगा के छेहरटा वासियों वालों शहीदों नूं श्रद्धांजलि देने की रीत की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि सरकारां भुल जांदियां हन अपने शहीदों नूं, इन्हां शहीदों की बदौलत अज असीं आजाद भारत देश विच खुली हवा विच सांह लै रहे हां। इस मौके गलबात करदियां प्रोफेसर बाबा निर्मल सिंह रंधावा ने दस्सिया कि अज दे दिन छेहरटा विखे 57 साल पहला पाकिस्तान एयरफोर्स वालों की बंबार्टमेंट के चलते 57 लोग शहीद हुए सन, जिन्हां संबंधी जानकारी सानू ज्ञानी गुरदीप सिंह ने लेख विचों मिलती है। अज असी 57 दीवे जगा उन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती है। हुण इह सिलसिला साल दर साल चलदा रहेगा अते उन्हां शहीदां दी यादगार नूं वी निखारिया जाएगा। अज सानू इह उपराला करदिआं बहुत माण महसूस हो रहा है कि असी उन्हां शहीदां नूं सच्ची श्रद्धांजलि भेंट कीती है। इस मौके उन्होंने शहीदों के जानमकार परिवारक मैंबर भी मौके पर मौजूद सन। मेरा नाम रविंदर कुमार, सन ऑफ श्री हीरा लाल मल्होत्रा। ये जी यादगार बनाने ज्ञानी साहब, मैं बड़ा धन्यवादी हाँ प्रोफेसर साहब का भी, जिन्होंने एडा वड्डा उपराला इन्ने सालों बाद अज किया है। सारा बाजार भी देख के हैरान हो गया कि अज तक इन्हें उपराले एडा किया नहीं। साडे मामे का मुंडा भी, मैं सड़ जम्मिया शहर बाजार से मेरा घर है, सड़ में जम्मिया मेरे मामे के मुंडे मेरा आंटी से वो जो बंबारमेंट हुई है सड़ के मामे के मुंडे जरा शहीद हो गया, उन्होंने बंब की कैंकर बजी वो जरा डैथ हो गया। उन्होंने भी एक नाम लिखा है राम लभाया, उन्हें बहन से राम लभाया सन नरेंद्र कुमार। तो मैं ज्ञानी साहब का बड़ा धन्यवाद जिन्होंने वाकई एडा वड्डा उपराला किया। बिल्कुल जी, सरकार तुम्हें पता ही सरकार है कि दसो कोई सरकार का काम नहीं है, सरकार भुलद जाने एडा उन्होंने ज्ञानी साहब ने दस मैं मन खुशी हुई है। सतपाल डांग जी MLA उन्होंने बनाया याद साढ़े घर सिमड़े रखिया सारा जो निके होंगे देखा सारा सिस्टम बहुत वधिया बनया। इतने लोग शादी में करते विह शादी होर भी किरिया करम होर भी ना नहीं बाजार चो तो जो कोई मंग तो कहने जी वाकई एक दिन उन्हें याद के मनाई हर साल तो दूजा खोल जाए भाजी सारे बाजार की मंग है। ये तो बड़ा ज्ञानी साहब मैं धन्यवादी हाँ जिन्हें अब एड्डा वड्डा उपराला किया प्रोफेसर साहब ने आख्या ठीक है बहुत वधिया। दसदा नाम प्रोफेसर बाबा निर्मल सिंह रंधावा, सपुत्र संत अमरीक सिंह रंधावा, मुखी संप्रदा बाबा बुढ़ा वंश गुरु घिहाड़ी रंधावे गुरु की वडाली। संगत जी, ये दीवे जगाने लिए अज 5 बजे दोपहरे साढ़े मन च आया कि असी तख्तों से जाके बड़े बड़े समागम जाके दीवे जगाने पर छाडे दे जदों मैं सरदार गुरदीप सिंह जी का लेख पढ़िया कि छाडे बंबारमेंट होया सी अज दे दिन 57 साल पहला पाकिस्तानी जहाजा ने किया, इत्थे 52 लोग शहीद हुए सी, तो मैं क्यों ना उन्होंने 52 शहीदों की याद च उन्होंने श्रद्धांजलि दी जाए। इसे सो ज्ञानी गुरदीप सिंह के सारे दुकानदार ने सदका ये 57 ही दीवे तो 57 सालों समर्पित ये जगाउंदी असी अज कृपा महाराज ने साडे ते कीती है। मैं चाहुंदा कि हर साल ही ये वड्डे पद्धर ते इत्थे समागम मनाया जाता रहे, इस तरह दीवे जगा के उन्होंने याद करते रहिए जिन्होंने शहीदियाँ पाईया। इतने मैं उदो 7 साल का सी जो मैं ये होश है कि पता लगा भी इतने छाड़े बंबारमेंट हुई है। सो खास करके मैं भला गली का चेता है, होर थावां ते बंब बड़े वजे आ पर उन्हां दी याद च उत्थे एक वड्डा पत्थर लिखा 52 शहीदों के नाँ ते, असीं उन्हूं भी हाईलाइट करांगे। मैं ज्ञानी गुरदीप सिंह का खास करके धन्यवाद करना उन्हें परिवार का जिन्हां ने प्रशासन इस चीज़ भुलता जा रहा है एक यादगार भी बनाई तां भी भुल गया जी खंडर दे रूप धारण कर गई। ये परोपकारी काम किया सतपाल डांग साहब ने तो उन्होंने मिसेज विमला डांग ने, पर जिहड़ियां सरकारां जो भुल जांदियां शहीदां नूं ते फिर उन्होंने मार पैंदी है। आ पिछे भुल गए लोग तो दुनिया ने पलटा लियाता, हुण जे सरकार ना ध्यान दल भी दिता असीं खुद इंट्रस्ट लै रहे हैं। असीं जिहड़े वड्डे अधिकारी नूं कहोंगे जिहड़े मिनिस्टर नूं ज्ञानी जी साढ़े नाल चलन दस हाथ जोड़ के उन्हां नूं बेनती करेगा कि जे तुसीं नहीं बना सकते तो सानूं कार सेवा दे दिओ, असीं बना के तुहाडे हवाले कर देवांगे। ये वधिया बनना चाहिए छाड़े समारक उन्होंने, आने वाली पीढ़ी को भुल ही गया। ये अज याद दवाया ज्ञानी जी ने कि लोगों को पता लगा 57 साल हो गए ने, बिल्कुल मनाया जाएगा। दाज विदेश भी चला गया तो मैं ज्ञानी गुरदीप सिंह परिवार नाल जुड़े हुए हैं मेरे अपने, मैं इन्होंने बच्चों इन्हों कहगा कि जिन्ना फंड चाहिए दास नूं दसो, ये काम लगातार चलता रहे, ये दास का ये सेवा प्रवान कर लैन।